हमने 5 साल पहले 2018 में तुलसी भैया के साथ मिलकर, सिंधिया जी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनाई थी। फिर जो घटनाएं घटी वो सांवेर के एक एक परिवार जन जन को उसका एहसास है। जब चुनाव के बाद सरकार गिरी और उपचुनाव हुए, उसके बीच में मैंने कई आरोप लगाए, कई प्रत्यारोप लगाए, कई सवाल पूछे, तुलसीराम भैया से भी पूछे और सिंधिया जी से भी पूछे, और जो लोग उधर चले गए बीजेपी में कांग्रेस छोड़ के, उनसे भी अलग अलग जिलों में जाके पूछे। फिर चुनाव हुए, चुनाव में तुलसी भैया भारी 30,000 वोट से जीत गए। जो जीता वो सिकंदर, मैंने जनता ने जो आदेश किया सर माथे पे, जनता ने कुछ अच्छा सोचा होगा, अच्छा समझा होगा, तभी फिर से उनको चुना। मैं मानता हूं तुलसी भैया ने जब पार्टी छोड़ी थी, सिंधिया जी ने जब सरकार गिराई थी, तो उन्होंने दो बातें दोनों ने बोली थी। सिंधिया जी ने कहा कि वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, किसानों का कर्जा नहीं माफ हुआ और अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक सड़क पे हैं, तो मैंने कांग्रेस की सरकार सड़क पे ला दी। सिंधिया जी ने बोला था, सुना था आप लोगों ने? तुलसी भैया ने बोला, मेरी 65-70 साल कांग्रेस पार्टी मेरी मां थी, उसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, इस लायक बनाया कि मैं मंत्री बनूं। मैंने उस मां को अब छोड़ दिया है और मेरी नई मां भारतीय जनता पार्टी है। चलो उनका विवेक था, उन्होंने बोला, उनने अपनी मां बदली, उनकी इच्छा, कोई भला बुरा नहीं। पर आप जीते तो आपने एक बात कही थी, मेरे क्षेत्र का विकास मेरे लिए प्राथमिकता है। मैं सांवेर के जन जन से, भारतीय जनता पार्टी के सांवेर के परिवार वालों से, मैं आम जो कांग्रेसी है उससे भी तुलसीराम भैया के 10 काम मंत्री बनने के बाद, 10 काम जिसको हम मील का पत्थर सांवेर के आधुनिक विकास में माने, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई पर ऑक्सीजन नहीं, कुड़ाना के फौजी बिना ऑक्सीजन से दम तोड़ा 10 दिन पहले कि नहीं तोड़ा? अरे तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आपने विकास के लिए हमारी पार्टी, आपकी पार्टी कांग्रेस सरकार गिराई थी। तुलसी भैया भी कुछ दिन पहले राव रंगवासा रोड पे भूमि पूजन करने आए, 10 करोड़ की रोड का। उससे पहले खंडवा रोड 80 करोड़ की बनी, उसका भूमि पूजन करने आए। उससे पहले पिपलदा घाटी मुहाड़ी वहां 7 करोड़ की रोड बन रही है, उसका भूमि पूजन करने आए। ऐसे 100-125 करोड़ की रोडों का राव में भूमि पूजन करने आए, सांवेर में भूमि पूजन क्यों नहीं करते हो? क्या कारण है राव में? आप ये बताओ तुलसी भैया और सांवेर की जनता, खलखला रोड कैसी है? अरे पिपलाई रोड कैसी है? अरे खामोद रोड कैसी है? अरे कुड़ाना रोड कैसी है? खुड़ेल से गारी पिपड़ा वाली रोड कैसी है? अरे भैया, जब तुम सांवेर की रोड में तो तुमने भूमि पूजन नहीं करे, गड्ढा नहीं बुरिया, और राव में विकास हो रही है। ये जीतू पटवारी तो विधायक है, सरकार तो हमारी है, विकास तो हमारी पार्टी कर रही है। मैं एक मिनट हूं करूं बात तुम्हारे से, है नहीं? एक मिनट खाली तुम्हारी बात भी सुना। तो वहां पे रोड का भूमि पूजन और सांवेर की जनता सड़क गड्ढों में, वहां विकास वो करा रहे हैं, और यहां जिनने वोट दिए दो दो बार उपचुनाव में दल बदल के बाद भी, उन लोगों का क्या? 10 काम ऐसे हैं जो तुलसीराम सिलावट जी ने सरकार बदलने के बाद करवा दिए हो, किसी भी गांव के, किसी भी मोहल्ले के, शहर के, क्षेत्र के। तो आप मुझे गिनवा दो, व्हाट्सएप कर दो कि ये मील का पत्थर है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि राव में भूमि पूजन करो। मैंने यही कहा कि ये संकेत है कि राव का विकास वो कर रहे हैं, जीतू पटवारी कर रहा है, सरकार कर रही है, मिला जुला प्रयास है, पर सांवेर का विकास क्यों बाधित है, क्यों नहीं बना, ये सवाल आज सांवेर की जनता के बीच में है या नहीं है। साथियों, बात इतनी है कि अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकली, सांवेर में निकली,
सावेर में निकली भैया दुकान वाला भैया चश्मा वाला अंदर निकली नहीं निकली। तो जन आशीर्वाद किस बात का? इस बात का कि 1,00,000 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पूरे प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं, या इस बात का कि पटवारी यहां पर कई दिनों से हड़ताल पे है, सोयाबीन लगी नहीं, सर्वे हुआ नहीं। आप मंत्री हो, आपकी सरकार है, सावेर की जनता सबसे ज्यादा सोयाबीन इंदौर जिले में बोती है। आपने अभी तक कितना सर्वे कराया, कितने को मुआवजा दिया, कितने को आश्वासन दिया, जरा बताए। ये मंत्री का दायित्व नहीं है तो किसका है? अब वहां आए और कहने लगे, कुछ किसान मिले उनसे तो कह कि भैया ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का हम विरोध करते हैं, ये नहीं बनेगी। तो तुलसी भैया ने कहा हाँ हाँ, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिना किसानों से पूछे 1 इंच भी जमीन नहीं लेंगे। मुझे समझ नहीं आया यार, ये केलो धाला से लेके जो मांगलिया तक की एक रोड बनी, कितने किसानों ने कहा था कि आप MR 12 कितने किसानों से पूछ के ली सड़क। और हमने कहा था आंदोलन करके उसी समय, दोनों योजना एक साथ हुई, कि अगर 1 इंच जमीन पर सरकार आई तो अंतिम बूंद तक और अंतिम सांस तक जीतू पटवारी लड़ेगा, उसके बाद दिखे भी नहीं उधर। हमारे किसानों की जमीन फ्री में छीनने के लिए राव में जगह नहीं है, पर सावेर के साथियों आपके मंत्री जी ने MR 12 बनवाई और ये कहा हम प्लाट दे देंगे उन किसानों को जो सारे भारतीय जनता पार्टी के थे, ठाकुर राजपूत समाज के बहुत से लोग थे, हर समाज के थे। क्या मुआवजा मिला उनको? क्या क्या कौन से प्लाट मिला उनको? वो आंदोलन करते रहे। एक वो राजपूत नेता अपने बहुत पुराने, क्या नाम है उनका, बीजेपी का बड़ा कट्टर आदमी भाई, दिलीप सिंह चौहान, भारत सिंह जी, ये ले लेके दौड़ रहे थे। मैंने एक दिन पूछा उनसे क्या हुआ भाई साहब, कही कि भैया तुमने एक बार सावेर में क्यों, तो हम बाखड़े ना से बहुत परेशान है यार। बात यह है कि तुम अगर मंत्री बनिया, तुमने सरकार गिराई, तो प्राथमिकता सावेर होनी थी या नहीं होनी थी? और जहां तक राहू को सवाल है, वो तो घोड़ा पे बैठीन फिर दौड़ाओगे और इतो तेज दौड़ाओगे कि मालूम भी पड़ जाएगी कितो तेज है, और फिर भूमि पूजन सावेर का सगड़ा ऊंच करूंगा, इन चिंता करो जो मत ही नहीं बात की। और यो अहंकार से भी नहीं है बात, विनम्रता से हाथ जोड़ी ने। बात इतनी है कि सोयाबीन का मुआवजा मिलेगा नहीं, मंत्री जी खेतों में उतरेंगे नहीं, मंत्री जी मुआवजा दिलाएंगे नहीं। आपने, मैं जब मैंने 3,000 रुपया कुंटल गेहूं की विधानसभा में बात की थी, कितने लोगों ने वीडियो देखा, हाथ ऊंचा करो। 3,000 रुपया कुंटल, कोई नेता एक भी, सोनी जी जरा शांत बैठो, कोई नेता बिना किसान का वोट से चुनिन नहीं जाए। जब वो वोट लेना आवे तो किसान नागर गड़ा भरी भरी, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरी बहन है, तू तेरे पिताजी से मेरे संबंध, हर तरह की बात। बीजेपी का लोग ना भी वोट दे जबज विधायक बने, वे भी अपनी किसान है। जब 3,000 रुपया कुंटल की सर्वसम्मति की बात करी थी तो ना वीडियो में विरोध कर तो तुलसीराम सिलावट दिखा था कि नहीं दिखा था? अरे दिखा था कि नहीं दिखा था? वे आवा अब पाछा चुनाव लड़ना है। ताकि यार जीतू पटवारी रोज किरियो है कि बीजेपी का किसान ना कभी फायदा होगो, 3,000 रुपया कुंटल गेहूं का भाव कर दो, तुम क्यों मुंडा में से जबान क्यों नहीं चली रही तुम्हारी? यो पूछनु चाहिए कि नहीं तुलसीराम भैया से? अरे पूछनु चाहिए कि नहीं पूछनु चाहिए? बात यह है कि जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी, इकालिए कि हमने विधायक ना कर बेची और खरीदी दिया, सरकार गिरा दी। जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी इकालिए, बहना परेशान मत होना, 1,000 रुपया मामा डालेगा और दूसरा धन 3,000 को बिल घर भेज देगा बिजली को। बहना 1,000 रुपया डालेंगे और गैस की टंकी 1,100 की लानी पड़ेगी भाभी, पछा ये सस्ती मिल रही है। अरे बेल ना संकट में थी कोविड में, जब बेल ना संकट में थी तो कोई 450 की टंकी नहीं थी, अब मामा जी संकट में है तो लो या 450 की, यो न्याय है। पूरा प्रदेश में लगभग या 26वीं विधानसभा है, पिछला 8 दिन में 26 विधानसभा हवा चली रही है कांग्रेस की। सावेर का परिवार जनता से मारो हाथ जोड़े निवेदन है, मैंने पहला जो शुरुआत करी है, मैंने सावेर में कभी हूं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करी। सावेर में जो बीजेपी का अभी भी महाराज है, परिवार का है,
विचार अलग भी सकते है, पर जीतू पटवारी से भी नफरत नहीं करा। मैं याद है बात, जब जीतू पटवारी से भी नफरत नहीं करा तो उनका गांव का, उनके फसल का, उनकी जमीन की लड़ाई लड़नी मारो दायित्व है। हूं भी चाहता तो 50 ले ले तो मंत्री इनसे अच्छोज बनाता मक है, एक सा अड़को नहीं बन तो, और तेज चर्राड़ भी बहुत हूं, एक में भी दो मत नहीं, मतलब यो है। पर मारा मारी रीढ़ की हड्डी है, पानी है, नाक है मारी, या कई सर है तुम्हारा कारण है, तम सब भैना का आशीर्वाद से है, तुम्हारा प्रेम से, प्यार से। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रम में मत आना, आज की जो भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जाहिर की रात को, एहसास करा रही है कि बीजेपी डरी हुई है। सांसद है या साथ, 3 केंद्रीय मंत्री, 1 महासचिव, सगड़ा लाइन में है, क्यों कहीं फिर है? अंदर अंदर सोचो, शिवराज सिंह जी किया था हमें जन आशीर्वाद दो। अमित शाह जी से जबलपुर में पत्रकार ने पूछो कि आपका चेहरा शिवराज सिंह चौहान होगा, तो पत्रकार का अमित शाह जी ने क्यों कि ये हमारा इंटरनल मामला, सही समय पर अवगत कराएंगे। जब जेपी नड्डा जी से पत्रकार ने पूछो तो उन्होंने कहा हम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। और ये आज की लिस्ट यो बता रही है कि आशीर्वाद बीजेपी शिवराज के नहीं दे रही है, तो जनता क्यों दे? सही है गलत? अरे 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री का दावेदार ना के विधानसभा लड़ रहा है, इको मतलब है शिवराज जी का हाथ सर पर से हाथ हटी क्यों है, तो इको मतलब है बीजेपी डरी हुई है। सावेर का लोग ना एक बात ध्यान रखो, जो मैं का मालूम है, हूं बोलू नहीं, देख तो रू, समझ तो रू, बहुत अपना ही परिवार का बच्चा ना हमारे या बहन से लगे से भैना दावेदार है, और बिल्कुल रेणु भी ची है। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र विचार की पार्टी है, पर जरा खड़े हो जाओ भैया, कौन कौन रेणा तो है, जरा एक बार खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो, जिसने जिसने टिकट मांगा आवेदन दिया सारे हो जाओ, चलो चलो, और कौन है जो पीछे है वो भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आओ आओ, किसने किसने आवेदन दिया सारे आओ, सारे आओ, चलो चलो चलो, ले सारे आओ, खड़े रहो भैया। हूं सबसे अनुरोध कर रही हूं, तमीज कार्यकर्ता है, जिताओगे कौन विधानसभा को चुनाव? एक साथ बताओ कौन जिताओगे? देखो टिकट को जो मापदंड है वे कमलनाथ जी ने और देश का नेता ने मारो तो कोई रोल भी नहीं हो, पर उनने बने लियो है। और सावेर का 80% लोग ना से पूछिन जो सबसे अच्छो होगा वो निर्णय लेगा। ये सगड़ा भैना भैया एक को भी टिकट मिलेगा, एक साथ रहोगे तुम लोग? जोर से बोल के बताओ, रहोगे कि नहीं रहोगे? जब एक 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 मिनट सब, अच्छा एक मिनट, उल्टा हनुमान जी का लिए जरा एक बार जगह बोल, उल्टा हनुमान की सौगंध है, उल्टा हनुमान जी की ध्यान रख लेना, जिसको टिकट मिले एकजुटता से काम करना, और कोई गड़बड़ करे तो भगवान उल्टा हनुमान का मंदिर का होकर दर्शन करे दोगा कि नहीं करे दोगा? तब अभी कोई की भी साथ रहो टिकट तक, बाद में पंजा की साथ रहोगा कि नहीं रहोगा? अरे रहोगा कि नहीं रहोगा? मारो गड़ो खराब है, पर समझो इन बात का, कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट है हाथ को पंजो कहीं है? अरे कहीं है, बस इको ध्यान रखना है, भारत माता की।